मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, साम दाम दंड भेद सब करेंगे, चुनाव जीतने के लिए कृषि नीति अपनाएंगे। उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा समेत प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा किया, साथ ही विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। मंत्री कमल पटेल एक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम आए थे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात की। पत्रकारों ने उनसे आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने रतलाम के महापौर प्रहलाद पटेल के निवास पर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने यहां कार्यकर्ताओं के साथ खाना भी खाया। मंत्री कमल पटेल ने कार्यकर्ताओं को अपने हाथ से खाना खिलाया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने 17 दिसंबर को एक ट्वीट कर किसानों की कर्ज माफी का 17 दिसंबर 2018 को जारी आदेश की कॉपी पोस्ट की थी। कमलनाथ ने लिखा था कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कांग्रेस सरकार अभी सत्ता में होती तो अब तक प्रदेश के एक एक किसान का कर्ज माफ हो चुका होता। इस पर मंत्री कमल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि कमलनाथ 17 दिसंबर को आपके यह आदेश निकालने के बाद 15 माह तक आपकी सरकार रही, फिर भी मध्य प्रदेश के सभी किसानों का आदेशानुसार कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ। आपके इस आदेश की वजह से मध्य प्रदेश के हमारे हजारों लाखों किसान भाई बहन डिफॉल्टर हो गए, जिसके जिम्मेदार आप और कांग्रेस हैं। कमल पटेल ने ट्वीट में कहा, मध्य प्रदेश के किसान भाई आपके और राहुल गांधी के झूठे वचनों में आकर एक बार धोखा खा चुके हैं, अब बार बार नहीं। चुनाव से पहले आपने सभी किसानों के कर्ज माफी की बात कही और सरकार बनने के बाद अलग अलग रंगों के फॉर्म बना दिए, कर्ज माफी का आदेश निकाला किंतु बजट में प्रावधान नहीं किया। यही कारण था कि मध्य प्रदेश की जनता और किसानों ने आपको उपचुनाव में सबक सिखाया और अब कभी आपके झूठे वादों में आने वाले नहीं हैं। 30 में से 28 से इस बार 29 की 29 आएगी। छिंदवाड़ा भी हम जीतेंगे, मैं छिंदवाड़ा का प्रभारी मंत्री हूँ। हमने संकल्प लिया कि इस बार कांग्रेस का सफाया करेंगे और विधानसभा में भी 200 से ऊपर सीट आएगी।